हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, इसी से रिलेटेड डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो है किसी भी पोस्ट में जो है अगर आपका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी के थ्रू या आरआरसी के थ्रू रेलवे में, तो वैसे केसेस में जो है आपकी जनरली जो पोस्टिंग की जाती है वो डीआरएम ऑफिस वगैरह में ही पोस्टिंग की जाएगी, या जो सब डिवीज़न होता है किसी भी कंसर्न डिवीज़न का या जोन का, जोन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, आप जिस जिस प्रकार का एक्चुअली जॉब कर पाएंगे वैसे ही जो है आपको पोस्ट दिया जाता है। जैसे ऑफिस टाइप वर्किंग है, जैसे आप कर सकते हैं तो ऑफिस में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि हमको क्या फील्ड वगैरह में तो वर्किंग नहीं लगा देगा, तो फील्ड वगैरह में जो है आपको ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। जिस काम के लिए जो है आप सक्षम होंगे वैसे ही कार्य जो है आपको दिया जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में जो है आपको जो है ऑफिस वगैरह में ही पोस्टिंग की जाएगी, डीआरएम ऑफिस या सब डिवीज़न जो होता है असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का ऑफिस वहाँ पे हो सकता है, या वर्कशॉप वगैरह में भी हो सकता है आपका। अगर इसके अलावा जैसे जो हेडक्वार्टर होता है जोनल हेडक्वार्टर वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप ध्यान रखें, आप जैसे पोस्ट के लिए आप कार्य करने में सक्षम है वैसे ही जो है आपको उसी लोकेशन पे जो है पोस्टिंग की जाएगी, ताकि आप जो है सही तरीके से जो है कार्य कर पाए। लेकिन अक्सर देखते हैं डीआरएम ऑफिस में वगैरह में ही पोस्टिंग की जाती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो है कहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।